हेई hey, बच्चो पार्टी आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का एक साथ नोट्स आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड वेदांतों का है और मैं आज किसी बोर्ड का सहारा नहीं ले रहा उसका रीज़न एक ये है कि पावर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं बच्चा लोग आज इस तरह का हम लोग एक वीडियो बनाया जिसमें मैं आप लोगों से इंट्रैक्ट कर रहा हूँ और डायरेक्टली आप लोगों को सब कुछ बता रहा हूँ और आप सब कुछ फटाफट नोट कर रहे हैं तो देखिए मैं आपको चैप्टर वन से लेकर के चैप्टर फोर्टीन तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरीवेशन है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर है बच्चा वो सब मैं आप लोगों को बताता हूँ विद इन फाइव टू सिक्स टेन मिनट जो भी जाएगा वो ठीक है तो जल्दी से पेन पेपर लेकर के आ जाइए और सारे नोट्स जो भी हैं जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे नोट करो और मैं ये आपको पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल करा दूंगा उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना होगा ठीक है सो लेट्स बी स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर वन चैप्टर वन की मैं बात करूँ तो सबसे पहले बच्चा लोग आपको कूलम्स लॉ पढ़ना है अच्छे से वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम लॉ पढ़ना है दूसरे नंबर पर आता है बच्चा पार्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ द डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ द डायपोल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं नोट किए इतना उसके बाद नोट करिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक डायपोल को रखा है तो टॉर्क का फॉर्मुला टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ही पी साइन थीटा का डेरिवेशन फिर नोट करिए बच्चा पार्टी के गाउस गाव गाउस गावस्लो का एप्लीकेशन जिसमें दो खास करके अगर इन्फानाइट लेंथ का वायर है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और अगर आपके पास में एक चार्ज लॉन्ग शीट है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये हो गया आपका चैप्टर नंबर वन लेट्स सेंटर लेट्स स्विच इन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन कैपेसिटेंस सबसे पहले तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल इतना कुछ हो जाने के बाद कैपेसिटेंस के अंदर आ जाइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन फिर बच्चा लोग केपैसिटेंस uh, के अंदर एक और चीज़ आती है एनर्जी ऑफ़ द कैपेसिटर एनर्जी डेंसिटी एंड कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में डायलैक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ये आपको करना है 100 परसेंट आपको करना चाहिए चैप्टर थ्री की हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है बच्चा करंट डेंसिटी रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी जे इज इक्वल टू सिग्मा इन टू ई उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो वेस्टर्न ब्रिज पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज एंड किर्च वोल्टेज रूल इतना आपको 100 परसेंट करके जाना चाहिए फ्रॉम चैप्टर नंबर थ्री देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ तक हम पहुँच गए चैप्टर फोर से आप लोगों को पढ़ के जाना चाहिए बायोसावट लॉ बायोसावर्ट लॉ का एप्लीकेशन में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग चार्ज करेंट करेंट कैरिंग रिंग उसके एक्सेस पर जिस पर यूनिट एनआई स्क्वायर अपॉइंट टू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्की पावर थ्री बाई टू आता है करेक्ट फिर उसके बाद आप एम्पेयर सर्किटर लॉ के एप्लीकेशन में आइए यानी कि सोलेनॉइड टोरॉइड ये हो गया फिर गैलवेनोमीटर गैलोनोमीटर एज एन अमीटर गैलोनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर जिसमें आप सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं और वोल्ट मीटर के टाइम में और अगर आप उसको एमीटर बनाना चाहते हैं तो आप एक शंट का सहारा लेते हैं इतनी चीज़ हो गई चैप्टर फोर से चैप्टर फाइव में आता है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर मैग्नेटिज्म एंड मैटर से आप सिर्फ पढ़ के जाइए बच्चा लोग जो रिलेशन आप लोगों को लास्ट में आया था अर्थ मैग्नेटिज्म हमारी जो धरती माता मैग्नेट की तरह बिहेव करती है जिसके अंदर आता है आपका मैग्नेटिक डिनेशन मैग्नेटिक डीप एंगल फिर जियोग्राफिक मैरेडियन मैग्नेटिक मैरेडियन है ना ये जो डेफिनेशन थे उससे रिलेटेड पढ़ के जाइए बी का फॉर्मूला बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर इन अंडर रूट बी एच बराबर बी कॉस फाइव बी वीज इक्वल टू बी साइन फाइव फिर टेन फाइव मैग्नेटिक डी एंगल का फॉर्मूला बस यही है आगे तो सारी चीज़ें कट चुकी हैं सी बी एस ई के अंदर तो वो है भी नहीं इसके बाद वाले चैप्टर में अगर हम स्विच करें तो इसके बाद वाले चैप्टर के अंदर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सबसे पहले फेराडिज लॉफ फराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईज गोड मैस एन डेल्टा फाइ ब डेल्टा डी लेंजेस लॉ मोशनल ई एम एफ सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन एंड ए सी जनरेटर इनकी डेरीवेशन सबसे खास है चैप्टर खत्म चैप्टर साथ में आ जाइए डेरीवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आप ट्रांसफॉर्मर करके जाइए न्यूमेरिकल भी ट्रांसफॉर्मर के पूछते हैं या फिर इम्पिडेंस एल सी आर सर्किट का सीरीज रेजोनेंस सिंपल रेजिस्टेंस है तो क्या होगा सिंपल कैपेसिटेंस है तो क्या होगा सिंपल इंडक्टर है तो क्या होगा ये चीज हो गई आपके अल्टरनेटिंग करंट ऑप्टिक्स में आइए रे ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहले पढ़ के जाइए बच्चा मिरर फार्मूला तो कर चुका है हां मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन जिसमें एम इज इक्वल टू आप करते हो ना माइनस बी बाई यू ये करके जाना है फिर रिफ्रैक्शन स्नेल स्लो का प्रूफ फिर आता है आपका लेंस फार्मूला लेंस मेकर्स फार्मूला कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप और लास्ट में आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इतना करके जाना है प्रिज्म प्रिज्म खास करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एज वेल एज बच्चा लोग मैं आपको बता दूं तो प्रिज्म के बाद में प्रिज्म के अंदर ही है वो एंगल वाला ए प्लस डेल्टा इज इक्ल टू आई प्लस एच मेमोरी में आ रहा है मैं आपको डायरेक्ट बताते जा रहा हूँ और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है वन हंड्रेड परसेंट कल मैंने वन शॉट लिया था तो उसमें सारे डेरीवेश कराए हुए हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं ऑप्टिक्स में वे ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं वे ऑप्टिक्स में तो सबसे इंपॉर्टेंट आप वाई डी एस सी का जो सेटअप है जिसका डेरिवेशन आता है कि एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इज़ इक्वल टू स्मॉल एन लेमरा फिर टू एन प्लस वन लैमरा बाई टू जिसमें आप कहते हो ना कि मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होगा वो चीज़ आपको करके जानी है करेक्ट ये चीज़ हो जाने के बाद आप इसके अंदर आ जाइए डिफ्रैक्शन की कहानी कि अगर मिनिमा है तो क्या होगा मैक्सिमा है तो क्या होगा डिफ्रैक्शन बाकी ब्रुस्टर्स लॉ सब तो हट चुके हैं ऑप्टिक्स भी खत्म ड्यूल नेचर ऑफ एंड मैटर के अंदर फोटोन के सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए दीप ब्रोगली वेन पढ़ लीजिए चीजें हो गई अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी एक अंदर ड्यूल एंड मैटर के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन था हाफ एम इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट फिर आ, सबसे खास ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला एक्सपेरिमेंट ये सारी चीज़ें आपके स्प्रिट पर रिलोडेड में भी हैं नॉर्मल दो महीने पहले भी सारी चीज़ें अपलोड करी गई थी हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर सबसे लास्ट चैप्टर का सबसे लास्ट हिस्सा जिसमें आप सभी वेव्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हो वो आपको याद करके जाना है एनसीईआरटी से जिसके अंदर रेडियो वेव्स है अल्ट्रावायलेट वेव्स है फिर एक्स रेज है इन सब की प्रॉपर्टीज़ इन सब के कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन होते हैं वो आपको करके जाने चाहिए ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अब मैं एटम के अंदर आता हूँ तो एटम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है रुद्र का एक्सपेरिमेंट आप पेपर उठाएंगे हर बार पूछता है सवाल रेडियस का इक्वेशन एन स्क्वायर एच स्क्वायर अब सल पाई एम जेड स्क्वायर का डेरिवेशन एनर्जी का इक्वेशन माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई एन स्क्वायर फिर वो ग्राफ जिसमें आप माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स माइनस वन पॉइंट फाइव वन माइनस थ्री पॉइंट फोर माइनस वन पॉइंट फाइव वन माइनस जीरो पॉइंट एट फाइव फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट आनाजन पोटेंशियल ये चीज़ पढ़ते हो लाइम बामर पासन ब्रेकेट फंड ये सीरीज से रिलेटेड आपके इक्वेशन हो गए इतना हो जाने के बाद में हम सीधा न्यूक्लियस में आते हैं न्यूक्लियस आपको सबसे ज़्यादा पढ़ के जाना है अच्छे तरीके से वो है न्यूक्लियर फीजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूज़न के कुछ रिएक्शन है और न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करते हैं वो आपको करके जाना चाहिए न्यूक्लियस भी समाप्त हो गया न्यूक्लियस के बाद आता है सीधा हमारा सेमीकंडक्टर जो कि सबसे स्पेशल चैप्टर में से एक है मेरे लिए मैं बहुत ज़्यादा इसे प्यार करता हूँ और कई बार आप लोगों को वदांतों के इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा चुका हूँ तो उसके अंदर बच्चा लोग सबसे पहले आप करके जाओ पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमी कंडक्टर फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस हाफ वे रेक्टिफायर फुल वे रेक्टिफायर एंड येस जेनाडाउट तो नहीं है तो एक बार आप नज़र दौड़ा सकते हैं कि सिलिकॉन जो सिलिकॉन है वो डायमंड कंस्ट्रक्शन की तरह है वो क्यों है ठीक पर इन सभी को अच्छे से पढ़ के जाइए मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ ये टॉपिक अगर आपके मेमोरी कार्ड के अंदर हमेशा गूंज रहे हैं बच्चा और इनसे रिलेटेड आप सारी चीज़ें कर रहे हैं दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रुक सकती है सत्तर में से पैंसठ मार्क्स लाने के लिए 100% यू विल स्कोर 65 प्लस अगर आप ये टॉपिक्स को गो थ्रू करते हो तो मैं इन सभी टॉपिक्स का पी डी एफ बच्चा पार्टी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिएगा वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ का भी लिंक दिया है उसे भी चेकआउट करिए और सुनीट कोड लगाइए बच्चा नीट वाले जितने भी बच्चा लोग हो आपके लिए बहुत अमेजिंग टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेपर का सोल्यूशन नहीं है लेकिन पेपर सोल्यूशन डिस्कशन के साथ है आपको उसमें सारे मास्टर टीचर्स मिलेंगे जो वो पेपर को प्रीवियस ईयर के सॉल्व कराते हुए आपको दिखेंगे और आप उनसे अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो ओनली इन जस्ट वन ट्रिपल नाइन यू हैव टू पे एंड अप्लाई सोनीट कोड बच्चा एंड फॉर द कंप्लीट क्रैश कोर्स अगेन यू हैव टू अप्लाई सोनीट कोड दोनों ही चीज़ों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है तो ज़रूर इसको चेक करिएगा जल्दी मिलते हैं बच्चा पार्टी हमारे लाइव सेशन में और कल भौकाल है कल आपका पूरा इलेक्ट्रोसिटी नीट वालों के लिए है सो स्टेट ट्यून टू विदान सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन बट डोंट ट्रवल यू बॉम्ब ठीक है चलो लव यू ऑल